हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यस बेटा, वी वर डूइंग द पोएम नंबर 7 हियर वाथो। ओके, हम पोएम नंबर 7 कर रहे थे। आज हम उसके एलआर के पेज नंबर 112 को करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स कर चुके हैं। अब हम कुछ ग्रामर पोर्शन करेंगे इसका। क्लियर टू ऑल, लेट्स स्टार्ट। आर फर्स्ट टॉपिक इज अनदर वर्ड्स इन द पोएम विच मीन्स। आपको कुछ नेम्स दिए हुए हैं, आपको उनके अनदर मीनिंग बताने हैं जो कि पोएम में यूज हुए। क्लियर टू ऑल। मूविंग इन स्पीड, मूविंग इन स्पीड मीन्स स्पीड से चलना, स्पीड से भागना, दैट इज कॉल्ड स्विफ्टी, दैट इज कॉल्ड स्विफ्टी। लुक हियर, हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टी। ठीक है ना, जो रेनडियर हिरन होता है वो इतनी स्विफ्टी, मतलब इतनी स्पीड से क्यों दौड़ता है। इट मीन्स मूविंग इन स्पीड, स्पीड में चलना, इट मीन्स स्विफ्टी। क्लियर टू ऑल, इट इज़ अनदर मीनिंग फ्रॉम द पोएम। नेक्स्ट वन इज आ राउंड टेंट दैट वॉज यूज एज ए हाउस और शेल्टर। अब आपको पोएम के स्टार्टिंग में बताया गया था कि हियावाथा अपनी ग्रैंड मदर नोकोमिस के साथ कहाँ पर रहता था। ही वॉज लिव्ड इन विगवैम, जो ये जो शेल्टर के लिए जो घर बनाए जाते हैं, जो टेंट की शेप में होते हैं, दे आर कॉल्ड विगवैम। ओके बेटा, नेक्स्ट थिंग इज द नट ऑफ एन ओक ट्री। जो ओक ट्री होता है, जो ओक ट्री का नट होता है, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड अकॉन, उसको बोला जाता है अकॉन। क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 2 इज राइमिंग वर्ड्स ऑफ। आपको राइमिंग वर्ड्स बनाते हैं। लैंग्वेज लगेज, हाउ वाउ। आप इसके अलावा अनदर वर्ड से भी आप राइमिंग वर्ड्स बना सकते हो, लाइक हाउ नाउ। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट वन इज मेक यूजिंग सेंटेंसिंग। ओके, मेक सेंटेंसेस यूजिंग, आपको इन वर्ड्स को लग के लैंग्वेज बेल्ट एंड सीक्रेट्स वर्ड को यूज़ करके आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है। इट इज़ फॉर यू। ओके, डू इट योर सेल्फ, आप अपने आप अटैम्प्ट करोगे इसको। क्लियर टू ऑल बेटा। मूव ऑन द पेज नंबर 130। वॉट इज पेज नंबर 130 सेइंग। सोल्व द क्रॉस वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। ये आपको कुछ क्लूज दी हुई हैं, आपको इनकी हेल्प से, और ये आपको एक पज़ल दी गई है, क्रॉस वर्ड पज़ल हैं। इसमें सीक्वेंस नंबर 1 to 6 लिखे हुए हैं। आपको ऊपर से हिंट बॉक्स का यूज़ करना है और आपको इस पज़ल को सोल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्रिप डिड हियावाथा बिलोंग्स टू। मतलब हियावाथा था वो किस ट्राइब, मीन्स जनजाति से, किस जनजाति से बिलोंग करता था, किस नाम से पुकारा गया था उसको। लुक, रेड इंडियन बॉय, उसको क्या बोला गया था, रेड इंडियन बॉय। हेयर इज आवर नंबर 1 पॉइंट, रेड इंडियन। क्लियर टू ऑल। आवर नेक्स्ट पजल इज वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ पर रहता था। आप देखो, आप ये नंबर 2 यहाँ पर है, ये इधर एरो है तो ये इसको इंडिकेट करता है। ही वॉज लिव्ड इन विगवैम। क्लियर टू ऑल। थर्ड इज हु बिल्ट द लॉज। ओके, लॉडिज कौन बनाता है। नंबर 3 इज लुक बेवर्स, वो थे ना जो उदबिलाव थे, जो चूहे की शेप में होते हैं, बेवर थे, वो लॉडिज को बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड द स्क्वायल हाइड, व्हाट डिड द स्क्वायल हाइड। स्क्वायल किसको छुपाती थी, हाँ, स्क्वायल क्या छुपाती थी, डिड द स्क्वायल हाइड, स्क्वायल क्या छुपाती थी। स्क्वायल हाइड द अकॉन, आप देख सकते हो, व्हाट डिड द स्क्वायल हाइड, स्क्वायल हाइड देयर अकॉन। मतलब जो वो जो अकॉन, जो ओक ट्री था, जो उसके वो जो बीज होते थे जिनको वो खाती थी, उनको छुपाती थी अकॉन। नेक्स्ट पॉइंट इज हु रैन स्विफ्टी, इतनी स्पीड से स्विफ्टी कौन भागता था, कौन भागता था इतनी स्विफ्टली। इट वॉज
रेनडियर। जो रेनडियर था वो बड़ी स्विफ्टली बहुत ही तेज स्पीड से भागता है। हु वाज ट्रैम्प्ड, कौन डरपोक होता है, कौन था इसमें पोएम में डरपोक। नंबर सिक्स पॉइंट इज रैबिट, आर ए डबल बी आई टी, कौन था रैबिट, इट वाज रैबिट। क्लियर टू ऑल? ओके बेटा, डू दिस वर्क इन योर एल आर। मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। आर नेक्स्ट टॉपिक इज नोटिस राइटिंग। आर नेक्स्ट टॉपिक इज नोटिस राइटिंग। क्या होता है नोटिस? सपोज आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हो और आपके जो कॉरिडोर होते हैं स्कूल के, वहाँ पे आपको कुछ ना एक नोटिस बोर्ड होता है। आपने देखा है कभी? आपने देखा होगा, सभी स्कूल्स में होता है एक नोटिस बोर्ड होता है, जहाँ पर छोटे छोटे नोटिसेस लगे होते हैं जो हमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं ना। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक एग्जामिनेशन शेड्यूल लगा होता है, आपके पीरियड सिस्टम्स लगे होते हैं, और कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है या कोई भी एक्टिविटी होती है उसके रिगार्डिंग कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये सभी ना हमारे नोटिस राइटिंग में आते हैं। व्हाट इज़ नोटिस राइटिंग? लेट्स स्टार्ट। आ नोटिस इज़ ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, ये नोटिस जो होते हैं, हम जो नोटिस लगाते हैं नोटिस बोर्ड पर, ये हमें फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारे लिए फॉर्मल होते हैं। ये हमें कोई कम्युनिकेशन होता है, जो हमारे संदेश होते हैं वो फॉर्मल वे से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये स्कूल में आपने देखा होगा कोई कुछ भी नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा हुआ है वो फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है ना, पॉइंट टू पॉइंट होता है और इन्फॉर्मेशन गेनिंग होता है और लेस वर्ड्स में होता है, मीन्स छोटे से छोटे वर्ड्स में होता है, कम से कम स्पेस लेता है और हमें जो एक्यूरेट जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो देता है। नेक्स्ट वन इज द पर्पज़ ऑफ नोटिस इज़ टू अनाउंस और डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। देखो, जो ये नोटिस होता है इसका मोटो क्या होता है, ये किस लिए लगाए जाते हैं नोटिस बोर्ड पे? ये नोटिस बोर्ड पे इसलिए लगाए जाते हैं, ये किसी इन्फॉर्मेशन को अनाउंस करते हैं, डिस्प्ले करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। नोटिस आर जनरली मेंट टू बी पिंट अप ऑन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड, वेदर इज इन स्कूल और इन पब्लिक प्लेस। देखो, जो नोटिस होते हैं वो पिंड अप कर दिए जाते हैं, मतलब उनको नोटिस बोर्ड के ऊपर पिन लगाकर पेस्ट कर दिया जाता है, ताकि इनको रीड करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, चाहे ये वेदर इट इज़ इन स्कूल, ये नोटिस स्कूल में भी लगते हैं या किसी ऑफिशियल वर्क के लिए किस ऑफिसेज में भी लगते हैं, कोई भी औपचारिक प्लेस हो, ऑफिशियल प्लेस हो, वहाँ पर आपको नोटिसेस लगे हुए मिलेंगे। नोटिसेस इशू बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर। आपने देखा होगा, आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो न्यूज़पेपर में भी नोटिस बोर्ड का एक अलग से कॉलम होता है, वहाँ पे छोटे छोटे नोटिस निकले रहते हैं। आप कभी नोट करना, आप न्यूज़पेपर रीड करना बेटा, उसमें आपको सभी चीज़ें दिखाई देंगे। अ नोटिस इज रिटन व्हेन वी मेक एन अनाउंसमेंट और व्हेन वी नीड टू गिव अ मैसेज टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। रिमेंबर, नोटिस आर शॉर्ट एंड पॉइंट। ठीक है, नोटिस लगाने का हमारा मेन मोटो यही होता है कि ये हम कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं या हम कोई लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो हम उसको नोटिस के थ्रू दे सकते हैं। रिमेंबर, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि नोटिसेस आर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। नोटिस शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट, और उसमें मेन पॉइंट को मीन्स डिस्क्राइब किया होना चाहिए। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, अ नोटिस मस्ट बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। देखो, आप कोई नोटिस लिखने जा रहे हो तो उसमें ये फॉलोइंग पॉइंट्स जरूर होने चाहिए, दे शुड बी मस्ट। ठीक है, देखो, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। देखो, कोई नोटिस लिखा जा रहा है, मान लीजिए एक नोटिस है कि आप अपने स्कूल में कोई भी कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने वाले हो, तो आपको उसके रिगार्डिंग आपको नोटिस लगाना है। तो सबसे पहले आप नोटिस लगा रहे हो, आप अपने स्कूल को प्रेजेंट कर रहे हो, तो
आपके स्कूल की स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले नेम होना चाहिए ना कि आप कौन से स्कूल से हो। माउंट लिट्राजी स्कूल, ओके, इंटरनेशनल। देखो आप सबसे पहले अपने स्कूल का नेम मेंशन करोगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन इशू कर रहा है, माउंट लिट्राजी स्कूल इस नोटिस को इशू कर रहा है, द टाइटल नोटिस, ठीक है ना। आप उसके बाद आप एक टाइटल दोगे उसको कि मान लीजिए आपने एक किसी पेज के ऊपर कुछ टाइप करके आपने डिस्प्ले बोर्ड पे उसको लगा दिया है, ठीक, आपने उसको डिस्प्ले बोर्ड पे लगा दिया है लेकिन उसके ऊपर कोई नेम ही नहीं है, तो आप एक उसको टाइटल दोगे कि नोटिस। क्लियर टू ऑल? आ हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। उसके बाद आपको सब्जेक्ट को मेंशन करना है, उससे पहले आप डेट मेंशन करोगे, ठीक है ना, आप किस डेट को नोटिस लगा रहे हो। नेक्स्ट आप सब्जेक्ट मेंशन करोगे, फॉर द अटेंशन ऑफ म्यूजिक लवर्स, ठीक है ना, या आप ये लगा सकते हो फॉर द एनुअल फंक्शन, रिगार्डिंग द एनुअल फंक्शन, ठीक है ना। आप कोई एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो आप सब्जेक्ट तो दोगे ना कि आपका सब्जेक्ट क्या है, किस विषय के ऊपर आप नोटिस लगा रहे हो। क्लियर टू ऑल? द बॉडी ऑफ द नोटिस, इट इज़ द बॉडी, बॉडी मैटर। आप यहाँ पे अपना बॉडी मीन्स मैटर मीन्स सेम थिंग, आप यहाँ पे अपना मैटर लिखोगे कि आप क्या बताना चाह रहे हो कि आपके स्कूल में इतनी डेट को फेस्टिवल होने वाला है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये हमारे जो हमारे गेम्स होंगे या हमारी जो परफॉर्मेंसेज होंगी, आप यहाँ पे बॉडी मैटर में उसको डिस्क्राइब करोगे। क्लियर टू ऑल बेटा? नेक्स्ट थिंग इज द राइटर सिग्नेचर नेम इन ब्लॉक लेटर्स एंड डेजिग्नेशन, ठीक है। उसके बाद जो इस नोटिस को इशू कर रहा है उसका नेम होना चाहिए। क्लियर टू ऑल? उसका यहाँ पर नेम होना चाहिए, उसके सिग्नेचर होने चाहिए और उसका डेजिग्नेशन मीन्स वो किस पद पर है, मतलब वो स्कूल में किस कोऑर्डिनेटर या किस पोस्ट पर वर्क कर रहा है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। क्लियर टू ऑल? इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन आप टाइटल दोगे, देन आप डेट मेंशन करोगे, फिर आप सब्जेक्ट दोगे किसके रिगार्डिंग है, देन आप बॉडी मैटर, एंड इन द लास्ट योर सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन। क्लियर टू ऑल बेटा? एवरी वन क्लियर टू ऑल? ओके, डू पेज नंबर 112, 113 एंड 114, 112 एंड 113 इन योर एलआर एंड लर्न द पेज नंबर 114 नोटिस इन योर एलआर। आप इसको एलआर में से ही लर्न करोगे, इसके बाद मैं आपको नोटिस दूंगी, आप उस नोटिस को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करोगे एंड देन लर्न इट। क्लियर टू ऑल बेटा? इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।